लक्ष्मी चंद या लक्ष्मी या लक्ष्मी सिंह, ये नाम जब मैं बचपन में सुनता था, या लक्ष्मी लक्ष्मी, क्योंकि हमारे एक पहचान में मैं कहीं गया तो वहाँ गया कि ये काम लक्ष्मी से करा लो, तो मैंने सोचा कि लक्ष्मी कोई महिला होगी, क्योंकि लक्ष्मी महिला के लिए ज़्यादा इंगित होता है, मगर देखा तो वो लक्ष्मी एक मनुष्य यानी एक पुरुष थे। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि लक्ष्मी नाम पुरुष का भी और महिला का भी, ये क्या कारण है। जब मैं पाली पढ़ रहा था तो पाली पढ़ते पढ़ते मुझे लक्ष्मी शब्द दिखाई दिया, लक्ष्मी तो नहीं, क्योंकि छह वर्ड तो पाली में होता नहीं, आधा के और खे जितने भी हैं, जैसे पाली के अंदर खेत है तो खेत का बाद में क्षेत्र बना दिया गया, संस्कारित किया गया, इसको मॉडिफाइड किया गया, और जो खेतीय थे उनको क्षेत्रीय बोला गया, जो खेत के मालिक थे उनको क्षेत्र का मालिक कहा गया, जो क्षेत्रफल था उसको क्षेत्रफल कहा गया। तो यहाँ आधा के और खे जब छह बन गया तो लक्ष्मी का लक्ष्मी बन गया, तब मुझे समझ में आया कि ये शब्द लक्ष्मी मेल और फीमेल दोनों के लिए क्यों कहा जाता है। बेसिकली इसका जो मेन शब्द है वो है लख। लख जो है वो सारे लोग बोलते हैं भारत में, जैसे कहते हैं लख लख बधाइयाँ, पंजाब के अंदर कहते हैं लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। लख का मतलब होता है 100,000, यानी कि 1,000 रुपये अगर 100 बार काउंट कर ले कोई तो वो 1,00,000 रुपये हो जाते हैं। अब तो 1,000 का नोट है नहीं, तो दो दो 2,000 के अगर 50 नोट काउंट कर ले तो वो 1,00,000 हो जाते हैं, 1,00,000 हो जाते हैं। तो पाली में इसको लख बोलते हैं और ये लख वहीं से चलता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो अभी भी पाली के शब्द ऐसे कैसे चलते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन कम हुआ है। लड्डा है, हांडता है, लख है, ये बहुत सारे शब्द हैं, की है। तो वहाँ जो लख है, लख का मतलब लाख हो गया, आज की भाषा में जो ये मॉडिफाइड हुआ या जो चलन में आया इसको लाख बोलते हैं, लाख लाख। तो लाख का, लख का मतलब हो गया लाख, और जो लाख रखता है यानी 1,00,000 रखता है। अब 1,00,000 कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये मुद्राओं के लिए और पैसे के लिए और रुपए के लिए ही काउंट होता है। तो अगर 1,00,000 रुपये अगर कोई रखता है तो उसको कहते हैं लक्खी, लक्खी, और वो हो गया लक्ष्मी, यानी 1,00,000 रखने वाला, लख रखने वाला लक्ष्मी हो गया। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी बना है या लक्खी से लक्षी बना है। तो पंजाब में लक्की बहुत बहुत बोलते हैं, पहले मैं सोचता था कि LUCKY लक्की से ये बना हुआ है, वही लक्की, मगर ये लक्की नहीं है, बेसिकली लक्खी है, यानी कि लख वाला, जिसको लाख मिले हैं। इसी को बाद में कह दिया भाई बड़ा लकी है, लकी का मतलब है बड़ा भाग वाला है, क्योंकि इसको 1,00,000 मिल गया भाग, भाग का मतलब है शेयर, भाग मिल गया, 1,00,000 मिल गया, तो बड़े भाग वाला है, बिग बिग पोर्शन वाला है, बिग पोर्शन का मतलब है बड़े भाग वाला, 1,00,000 वाला लक्की हो गया, लक्ष्मी हो गया। तो लख और लक्ष्मी ऐसे करके बोलते हैं। मगर यहाँ जो लख है उसके दो मतलब है पाली के अंदर, एक तो लख का मतलब लाख हो गया जिससे लक्ष्मी बना है, और एक लख का मतलब होता है लक्ष्य, अगर हम इसमें छह लगा देते हैं तो लक्ष्य हो गया, और लक्ष्य को लक्ष्य बोला गया है, ये मतलब हो गया निशान या जो मार्क है, जो चिन्ह है, चिन्ह और निशान को बोलते हैं लख, यानी कि इसी से बना है लक्षण। जब कहते हैं इसके तो लक्षण ठीक नहीं है, इस औरत के तो लक्षण ठीक नहीं है, इस आदमी के बच्चे के तो लक्षण बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है कि इसके जो चिन्ह है, इसके जो निशान है वो बहुत अच्छे हैं। और इसी लख से बना हुआ है लिखना, यानी कि निशानों को जो कुरेदते हैं, बनाते हैं पत्थरों पर जो लिखते थे, उसी से बना है लिखना। लिखना हम आज की भाषा में बोलते हैं, उस समय की भाषा में बोला जाता था लिखन। लिखन का मतलब है चिन्ह, जो वहाँ कुरेदा गया है, जो बनाया गया है। और अगर लिख लिख बोला जाता है, किसी के अंदर भी लिख लगा देते हैं शब्द में लास्ट में, तो उसका मतलब है निशान बनाना, उत्कीर्ण करना या खोदना। पहले खोदना या उत्कीर्ण करना होता था, पेड़ पे खोद दिया, पत्थर पे खोद दिया, जमीन पे खोद दिया, ऐसे ही बनते थे। तो वो जो लिख है या जो लिखन है, लिखा पेती है, उसी से बाद में चलते चलते सारे शब्द बने हैं, यानी जिसमें लेख लिखा हुआ है, लख लिखा हुआ है, ले और खे है, आधा खे है, वो सारे शब्द वहाँ के हैं। लेखक है, लेखिका है, लिखना है, लिखा हुआ है, या लेखानी मुख है, लेखानी मुख का मतलब है निब। लेखा है, लेखा का मतलब होता है रेखा,
तो ये सारे के सारे लेख जो शब्द हैं सारे वहां से बने हुए हैं। अगर हम किसी को कहते हैं लक्षण यान यानी लक्षण यान, लक्षण को लक्षण बोलते हैं, लक्षण यान का मतलब है जो लक्षण को जानता है, या लक्षण यानी यानी कि जो लक्षणों को जानने वाला बंदा होता है। आज की डेट में तो इसका हमने एक पामिस्ट्री करके अलग से बनाया हुआ है शब्द है, मगर लक्षण ज्ञानी बहुत पुराना पाली का है, यानी कि जो लक्षणों को देख लेता है उसका ज्ञानी होता है, जान पहचान होता है। क्योंकि अगर 1000 बच्चे देखें उनके लक्षण देख लिए, या 1000 पुरुष या महिला देख ली उनके लक्षण देख लिए, तो वो कंपैरिजन करके बताया जा सकता है कि इसके लक्षणों से ये ऐसा काम करता है, इसके लक्षणों से ऐसा है। आज की डेट में तो लक्षणों की बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, वॉइस की लैंग्वेज है जो आवाज़ देख के बता देते हैं, वाइब्रेशन देख के बता देते हैं, फेस रीडिंग है फेस को देख के बता देते हैं, या जो राइटिंग है राइटिंग के जो लक्षण हैं लक्षण है उनको देख के बता देते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। किसी का कपड़ा पहनना या किसी का खाना खाने का जो तरीका है उसको देख के बता देते हैं कि इसके लक्षण कैसे हैं। आजकल तो लक्षण की बहुत सारी एजुकेशन है और बहुत सारे नाम और बहुत सारा बड़ा फील्ड हो गया है। उस समय भी लक्षण ज्ञानी पाली के अंदर हुआ करते थे, लक्षण ज्ञानी यानी लक्षण यानी। और जो निशान है इसको लक्षण के साथ में लक्ष्य भी बोला जाता है, यानी लक्ष्य, बाद में लक्ष्य को लक्ष्य भी बोलने लगे, लक्ष्य से इसका नाम पड़ा, लक्षण लक्षक लक्षति लक्षित, यानी सेम बात है, चिन्ह लगाना चिन्ह करना चिन्ह देखना। तो ये जो लक्ष्मी शब्द है यानी लक्ष्मी शब्द है ये वहीं पाली से आया हुआ शब्द है जो बहुत पुराना है, और भाषा जब इसकी चेंज हुई और ये संस्कारित हुआ तो आधा के और खे 6 में बदल गया। धन्यवाद।